दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल के वर्क में जो जो टूल्स लगते हैं उनके नाम और उनका क्या क्या यूज है वो बताने वाला हूं। तो यहां देख सकते हो हमारे पास एक मेजर टेप है। तो इसका भी बहुत अच्छा है कि ये हमारा जो मेजर टेप है मेजरिंग करने के लिए काम आता है, तो इसका बहुत ज़रूरत होता है। और ये हमारा पास एक टेस्टर है, तो इसका भी बहुत ज़रूरत होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक आप काम करोगे तो टेस्टर बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे है हमारे पास एक पेंसिल कि अगर आप जो भी कुछ मार्किंग करना है तो यहाँ पे एक पेंसिल का बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पास एक छोटा हैमर या हथौड़ी, जो भी आप बोल सकते हो। और ये है हमारे पास बड़ा हैमर, बड़ा काम करने के लिए, जैसे कुछ कुछ तोड़ना उड़ना हो। और ये आप देख सकते हो, ये तोड़ने के लिए है। और यहाँ पे है हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर जो कि स्टार है, कि कोई अगर स्क्रू खोलना है तो वो स्टार स्क्रू ड्राइवर से आप खोल सकते हो। और यहाँ पे है हमारे पास एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर यानी माइनस स्क्रू ड्राइवर, इसका भी बहुत ज़रूरत होता है टूल्स में। और यहाँ पे है हमारे पास कटर, यहाँ पे है हमारे पास कटर जो वायर कटर और छीलने के काम आता है। और ये रहा हमारे पास एक पिलास या पकड़, जो भी आप बोल सकते हो, इसका भी बहुत अच्छा काम होता है। किधर भी वायर ज्वाइंट करना हो तो आप इसको पकड़ के ज्वाइंट कर सकते हो। और यहाँ पे है हमारे पास एक नोज प्लायर, कभी वायर खींचना पड़े या वायर को ज्वाइंट करना पड़े तो पिलास और इसकी मदद से ज्वाइंट कर सकते हैं। और ये है हमारे पास एक एक्सो ब्लेड, किधर कुछ पाइप काटना है तो इससे काट सकते हैं। और ये रहा हमारे पास एक चक्कू, कभी कुछ प्लास्टिक काटना है या कोई छोटी जगह है तो ये चक्कू की मदद ले सकते हैं। और ये है एक्सो ब्लेड कोई पाइप काटने के लिए। और ये हमारे पास टेप, इंसुलेशन टेप। और ये है लीड वायर, जैसे अगर हमको कहीं पे ज़रूरत हो तो इसको वायर को लंबा करके आप यूज कर सकते हो। बोर्ड है हमारे पास, एक बोर्ड बनाया गया है वायर से। और ये रहा हमारे पास एक ड्रिल मशीन, तो ड्रिल मशीन का भी बहुत ज़रूरत होता है इलेक्ट्रिक वर्क में। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।